दोस्तों तो हम ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। तब आ गई भैया 6:40 पे राइड आई है। हाँ भाई साहब, हाँ देख ले जी, भैया बुरा हाल हुआ पड़ा है, भैया बुरा हाल, कर ले काम ब्लू स्मार्ट में, आ जाओ भैया ज्वाइनिंग कर लो, 50,000 रूपए महीना कमा लो भैया ब्लू स्मार्ट में। सुबह से भैया बैठे बैठे तेल निकल गया है भैया। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माई ब्लॉग। आज है हमारे चैलेंज का 14th डे। आज दिन है बुधवार का और तारीख है आज 27 मार्च 2024। आज का हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सीधा सैनिक फार्म से। तो फर्स्ट राइड मेरे पास अभी आ चुकी है और यहाँ से मैं करूंगा राइडर को पिकअप और उसके बाद करेंगे हम गुड़गांव में ड्रॉप, यानी के 17-18 किलोमीटर की ये राइड है और इसका फेयर आएगा 350 रूपए के आसपास। तो दोस्तों कल की स्थिति बहुत खराब थी, कल का मेरा ब्लॉग जाकर देखना, सिर्फ और सिर्फ एक राइड मैंने की थी पूरे दिन में 190 रूपए की, और एक राइड जो थी वो इमरजेंसी राइड थी जस्ट 1 किलोमीटर। कल गाड़ी एक ब्रेक डाउन हो गई थी तो इमरजेंसी में उन्होंने मुझे भेजा था, तो उसको लगा के टोटल मेरा काम हुआ था 786 रूपए का। दोस्तों उसके बाद फिर मैं गुड़गांव से 40 किलोमीटर हब के अंदर रात में खाली आया और ऐसे पॉश एरिया में खड़ा हुआ था, बट कोई भी राइड नहीं आई थी दोस्तों छुट्टी की वजह से, क्योंकि जहां तक मेरी समझ में आ रहा है ब्लू स्मार्ट के पास जो काम है सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट कंपनी का है, यानी के एमएनसी कंपनी का काम है सारा। जो ऑफिस के बंदे होते हैं जो अपने ड्यूटी करते हैं 8 घंटे 10 घंटे एमएनसी कंपनी में, आईटी कंपनी में जो जॉब करते हैं, सिर्फ सिर्फ उनका काम बचा हुआ है, और हल्की फुल्की एक दो राइड जो होती हैं वो सिर्फ हैं एयरपोर्ट की या फिर स्टेशन की। तो गाइस काम इतना नहीं है, और यही अगर कल ओला उबर होती या परसों ओला उबर होती तो भाई काम दबा के होता, क्योंकि सर्च लगता, गाड़ियां अवेलेबल नहीं होती है तो सर्च लगता है, और सर्च में राइड अच्छी खासी मिलती है, लॉन्ग लॉन्ग मिलती है और सर्च पे मिलती है और फेयर अच्छा मिलता है। जो ओला उबर वाले होंगे आई थिंक उन्होंने 5,000-5,000 का काम या 4,000-4,000 का काम किया होगा मेरे अंदाजे से 14-15 घंटे में। तो दोस्तों हमारी कंपनी में काम नहीं हुआ बिल्कुल भी, तो अगर कल हमारी अगर सैलरी देखी जाए कल वन डे की तो देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 400 रूपए की। इस हफ्ते का हाल बुरा हो गया है, 3 दिन हमारे निकल गए हैं यूं ही, मंडे की छुट्टी थी, ट्यूजडे की काम नहीं हुआ तो हमारी सैलरी अब नहीं बनेगी। 3,000 रूपए का काम पर डे कराया तो दोस्तों कुछ इंसेंटिव बनने की चांस है। 8,000 रूपए से ही हमारा इंसेंटिव शुरू होता है, 8,000 रूपए पे 500 का इंसेंटिव है, 9,000 पे 1,000 का, और 10,000 पे 1,500 का, 11,000 पे 2,100 का, 12,000 पे 2,700 का, 13,000 पे 3,400 का इंसेंटिव है खाली। तो दोस्तों ये सिर्फ इंसेंटिव है, बेसिक सैलरी हमारी 450 रूपए या 430 रूपए, 440 रूपए और 400 रूपए, ये अलग हमारी बेसिक सैलरी है, चाहे 1 रूपए का काम हो या ना हो, बट हमें 400 रूपए या 430 रूपए या 440 रूपए हमें मिलेंगे पर डे के। तो दोस्तों पर डे पे यानी के मिनिमम एमबीजी, जो एमबीजी होती है उस पे हम लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी जो सैलरी डिसाइड होती है वो सिर्फ और सिर्फ अर्निंग पे होती है, हम लोग इस पे काम नहीं कर पाएंगे या आप लोग भी नहीं कर पाओगे, बट हमारी इस हफ्ते की अर्निंग नहीं हुई है, पिछले हफ्ते की भी 9,000 रूपए, कोई इंसेंटिव नहीं आया दोस्तों, तो इस हफ्ते भी देखो हाल बुरा रहेगा। तो गाइस जो 6 वीक चैलेंज था हमारा, 6 हफ्ते वाला चैलेंज में हमारा मामला खराब हो गया, क्योंकि अब वो बोनस लेना ना लेना एक सा ही है, क्योंकि अगर हम उसको लेंगे तो फिर वो समझ लीजिए कि हमारी इस सैलरी में वो इन हो गया, क्योंकि दोस्तों अगर हम 6 दिन में 6,000 रूपए कमा रहे हैं पर डे, अगर फिर उसके बावजूद हमें 6 हफ्ते हम कोई छुट्टी नहीं करते हैं, अगर हमें वो बोनस मिलता है तो फिर हमारे लिए वो बेनिफिट है, बट लेकिन दोस्तों यहाँ पर पिछले हफ्ते हमारे काम में बहुत लॉस हो गया, इस हफ्ते हमारे काम में बहुत लॉस हो गया, तो गाइस बेकार है यार फिर वो, हालांकि देखो मिल जाता है तो अच्छा है, लेकिन हमारी सैलरी के अलावा अगर वो नहीं मिलता तो फिर इन्होंने हमारी सैलरी में ही उसको कम्प्रोमाइज कर दिया। तो दोस्तों चलो हम मिलते हैं पिकअप एंड ड्रॉप करने के बाद, ड्रॉप कर दिया है फाइनली 1 घंटा 10 मिनट के बाद। भाई 17 किलोमीटर में 1 घंटा 10 मिनट लग गए, इतना ट्रैफिक था भाई छतरपुर में बहुत ज्यादा यार। तो अभी मैं डीएलएफ साइबर पार्क के अंदर आ गया हूँ,
और यही मेरा ड्रॉप था। गाड़ी चली दोस्तों 17 किलोमीटर, फिर आया 314 रूपए जो मुझे मिले हैं। अभी फर्स्ट राइड मेरी कम्प्लीट हो चुकी है, 10:30 बज गए हैं, तो बहुत टाइम लग गया यार एक राइड में। तो दोस्तों यहाँ पर कभी भी अगर आप आओ, जो ब्लू स्मार्ट में जॉब करते हैं या ऑल ओवर में, यहाँ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर इस एरिया में, साइबर पार्क के एरिया में यहाँ पर खड़े मत होना, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ से राइड बिल्कुल भी नहीं मिलती है भाई। इस चीज का हमेशा खास करके ध्यान रखें कि यहाँ पे राइड नहीं मिलती है भाई दिन में, ठीक है ना। अभी यहाँ से तो कोई राइड आएगी नहीं, तो मैं जाऊंगा अभी सेक्टर 42, 43, 45, ये होडा सिटी सेंटर की तरफ निकलूंगा, वहां से चांस है राइड आने के। यहाँ से भी आ सकती है, बट यहाँ से 1% चांस होता है जो यहाँ से राइड आए, यहाँ से राइड नहीं आती है गाइस। तो देखो दोस्तों कितने प्यारे प्यारे फूल हैं यार, मस्त लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में ही जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये मोनो रेल का गुड़गांव की जो मोनो रेल है यहाँ से जाती है, और अभी हम साइबर हब के अंदर है। यहाँ से मैं अभी एग्जिट करूंगा, उसके बाद दोस्तों निकल के सीधा जाऊंगा 10 किलोमीटर खाली, और उसके 10 किलोमीटर के बीच में क्या पता राइड भी आ सकती है। आज राइड कुछ हल्की फुल्की होगी, कल से बेहतर है, क्योंकि आज सारे ऑफिस वगैरह खुल गए हैं एमएनसी के, तो 3-4 दिन काम थोड़ा निकलने के चांस है, तो हो सकता है गाइस कुछ अर्निंग हो जाए। आज 1500 तो शायद चांस है पहुंचने का कि 1500 रूपये तक का काम हो जाए, वो भी श्योर नहीं है दोस्तों, क्योंकि छुट्टी चल रही है और काम की स्थिति बहुत खराब है, आप लोग सब जानते हो। तो यार दुआ करो थोड़ा काम बढ़िया हो जाए तो मजा आ जाए यार। तो चलो दोस्तों मिलता हूँ थोड़ी देर में, जब कोई राइड आती है तो करता हूँ आपको अपडेट। दोस्तों काफी टाइम से खड़ा हूँ मैं, 11:30 बज गए हैं, बट अभी तक कोई भी राइड नहीं आई है मेरे पास। एक ही राइड आई है, उसके बाद यार कोई भी राइड नहीं आई है, घंटों खड़े खड़े हो गए। 11:30 बज गए हैं, तो मैं भी हुडा सिटी सेंटर के पास था, यहाँ से मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा रेसिडेंस एरिया की तरफ, क्या पता वहां से मिल जाए। सेक्टर 65, 55, सेक्टर 67, यही सब एरिया में मैं जाऊंगा, तो हो सकता है वहां से कोई राइड मेरे पास आ जाए दोस्तों, क्योंकि यार काम तो गड़बड़ हो रहा है बहुत ज्यादा यार, दिमाग खराब हो रहा है भाई यार। इस बार तो बस हफ्ता पूरा बर्बाद हो गया, पिछले हफ्ता भी यार ऐसे चला गया और ये हफ्ता भी बर्बाद हो गया यार, दिमाग खराब हो गया, क्या करें यार, साला समझ नहीं आ रहा कुछ भी, क्या करें यार कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ऐसे ही काम रहेगा तो यार कौन काम करेगा बताओ, काम है नहीं, ये राइड्स नहीं आ रही है, क्या चक्कर है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों चलो देखते हैं, थोड़ा वहां जाता हूँ लोकेशन पे, देखता हूँ वहां जाके कोई राइड आती है या नहीं आती यार। तो फाइनली दोस्तों एक राइड मुझे मिली है इस स्टैंड की, 3 किलोमीटर की। तो गाइस इस राइड का फेयर आया है 115 रूपए, और पिकअप था 1.5 किलोमीटर का, ज्यादा दूर का पिकअप नहीं था। तो दोस्तों एक मेरे पास रीबैलेंसिंग राइड आई हुई थी, मैं वही जा रहा था, 1 किलोमीटर बचा था पहुंचने के लिए, उतने में मेरे पास एक इंस्टेंट राइड आ गई थी। तो ये जो राइड बस 3.5 किलोमीटर की थी, ज्यादा की नहीं थी भाई, और 115 रूपए का इसका फेयर आया है 3.5 किलोमीटर का। तो दोस्तों अभी देखते हैं कहाँ की राइड आती है। सेक्टर 41 में मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या थोड़े कंपनी एरिया है, बट यहाँ पर तो मुश्किल मुझे लग रही है, शाम को यहाँ से राइड आएगी, अभी 12:10 हो रही है। तो दोस्तों चलो देखते हैं, एक राइड और आई है मेरे पास, यही मैं खाली आया था 5 किलोमीटर, जैसे खड़ा हुआ 5 मिनट बाद राइड आ गई, एक और इंस्टेंट राइड आई है। तो ये राइड दोस्तों सेक्टर 32 से, और इसका जो ड्रॉप है वो सेक्टर 74A दिखा रहा है। अभी कितने किलोमीटर है, आई थिंक मेरे हिसाब से 10 या 12 या फिर 8, इन तीनों के बीच में हो सकता है कितना फेर है। तो इस सामने विला बने हुए, और यही विला में हमारा पिकअप है, लेफ्ट साइड हम गाड़ी खड़ी करेंगे, हाँ ये आ गया। तो दोस्तों यहीं से हमारा पिकअप है, और सामने विला और फ्लैट दोनों बन रहे हैं अपने अपने, तो करेंगे दोस्तों हम यहाँ से पिकअप, करेंगे राइडर को ड्रॉप, तो मिलते हैं पिक एंड ड्रॉप करने के बाद। राइडर को कर दिया ड्रॉप सेक्टर 77, और गाड़ी चली है हमारी 7 किलोमीटर, और फेर आया है 159, और ये है देखो एमआर की बिल्डिंग, फिर एमआर की बिल्डिंग में आपको मैं लेके आ गया हूँ, तो हंसना मत दोस्तों, एमआर वाले ने गुड़गांव में उधम मचा रखा है भाई, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो गाइस यहां से मेरे पास सेक्टर 86 की चार्जिंग हब की लोकेशन आ गई है, तो मैं भी गाड़ी को चार्ज करने जा रहा हूँ सेक्टर 80
6 और अभी मैं हूँ सेक्टर 77 के अंदर, तो यहाँ से भी 7 किलोमीटर पिकअप लोकेशन है। तो दोस्तों फर्स्ट जो हमारी शिफ्ट थी वो खत्म हो गई है, सेकंड शिफ्ट हमारी चलने शुरू होगी। तो फर्स्ट शिफ्ट में हमारा काम हुआ है 784 रुपए का, राइड हुई टोटल 4। तो चलो दोस्तों करते हैं अभी यहां से एग्जिट और फिर हम जाएंगे गाड़ी को चार्ज करने। मिलता हूं आपको मैं गाड़ी चार्ज करने के बाद 4 बजे, और हो सकता है यहां से सीधा दिल्ली की राइड मिल जाए तो शाम में मजे आ जाएंगे यार। तो चलो मिलते हैं यहां से गाड़ी चार्ज करने के बाद। अरे भाई साहब एक भी राइड नहीं आ रही है भाई, 5 बज गए हैं, गाड़ी चार्ज हो गई है फुल, 10 किलोमीटर भी गाड़ी घुमा ली है भाई। सेक्टर 89 से 85 86 तक आ गया हूँ भाई, बट राइड नहीं आ रही है भाई। सुबह से सिर्फ 784 रुपए का काम हुआ है, कल 786 का काम हुआ था, एक राइड इमरजेंसी थी कल वाली, बार बार बता रहा हूँ मैं, वो नहीं होती तो मात्र 190 रुपए का मेरा काम होता। दोस्तों ये थोड़ा रेसिडेंस एरिया है, सोचा यहाँ पे आकर मैं खड़ा होऊंगा, क्या पता यहाँ से कोई राइड आ जाए, तो यहाँ करूंगा मैं आधा एक घंटा वेट। यहाँ भी अगर नहीं आई है तो फिर मैं भाग जाऊंगा सीधा दिल्ली की तरफ। यहाँ से दोस्तों मेरा हब है 40 से 50 किलोमीटर, जी हाँ सही सुना आपने, हमारा जो यहाँ से हब है वो 40 किलोमीटर से ऊपर है, और गाड़ी चलेगी खाली यार, एक राइड दिल्ली की मिल जाए 600-700 रुपए की तो मजा आ जाएगा यार, लेकिन नहीं मिल रही है भाई। देखो स्कूल, जब भी यहाँ गुड़गांव में देखे मैंने ऐसे ऐसे स्कूल बने हुए, बट ये मेन रोड पे बने होते, पता नहीं क्यों, आखिर क्यों भाई इतने बढ़िया बढ़िया स्कूल जो है मेन रोड पे बनते हैं। तो चलो दोस्तों मैं करता हूँ वेट, उसके बाद को राइड आती है तो करता हूँ आपको अपडेट। सब आ गई, आ गई भैया, 6:40 पे राइड आई है, सुबह से भैया बैठे बैठे तेल निकल गया है भैया, भैया बुरा हाल हुआ पड़ा है भैया, बुरा हाल, कर ले काम ब्लू स्मार्ट में, आ जाओ भैया ज्वाइनिंग कर लो, 50,000 रुपए महीना कमा लो भैया ब्लू स्मार्ट में। हाँ भाई साहब, हाँ देख लो जी, एक राइड आई है भैया घंटों घंटों बैठने के बाद, सुबह से अब तक 784 रुपए का काम हुआ है, तो मैं जा रहा हूँ पिकअप लोकेशन पे, पिकअप करने 3 किलोमीटर दूर। और ये भी भाई साहब बड़ी मुश्किल से आई है, कैसे कैसे आ गई पता नहीं है भाई। तो दोस्तों चलो अभी हम अपने राइडर को करेंगे पिकअप, उसके बाद करेंगे फिर ड्रॉप। मैं आ गया हूँ अभी कंपनी से बाहर निकल के, गाड़ी खड़ी कर दी है, 9:05 हो रहे हैं, 4 ट्रिप कंप्लीट की है, काम हुआ है 1,093 रुपए का, बस इससे ज्यादा काम नहीं हुआ गाइस, और वो भी एक राइड मुझे आते हुए मिल गई थी जो मैंने बताया था उस राइड के बारे में, तो वो राइड जो थी दोस्तों 309 रुपए की थी, और 100 उन्होंने मुझे टिप के तौर पर एक्स्ट्रा दिए थे क्योंकि बच्चे थे, तो मैंने 1-2 किलोमीटर उनको आगे छोड़ दिया था इसीलिए। तो दोस्तों आज का हम ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको न्यू डे एंड न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।